नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आपको हम बताएंगे किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज खासतौर से हम बात करेंगे चना, मसूर, बाजरा, प्याज, इसके अलावा भी कुछ और कृषि जींसों के मंडी भाव आप जान सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मंडी खबर की, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मक्का के भाव में रही तेजी, 3 करोड़ टन के पार जा सकती है पैदावार। घरेलू स्तर पर इस साल हो सकती है चने की रिकॉर्ड पैदावार, मंडियों में सामान्य रही आवक। और इस साल लगभग 8 लाख टन रह सकती है तिल की पैदावार, मंडियों में नरमी के साथ हुए सौदे। और आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं मक्का के बाजार से। खासतौर से अधिकांश मंडियों की अगर बात की जाए तो मक्का के सौदे तेजी के साथ हुए, हालांकि कुछ एक मंडियों में नरमी भी नजर आई। वहीं दूसरी ओर इसकी पैदावार की अगर बात की जाए तो अच्छी खासी बढ़त इस बार मक्का में नजर आ रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी 25 मई को ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो इस बार मक्का की पैदावार 3 करोड़ टन के पार जा सकती है, जिस वजह से बाजार पर इसका असर पड़ता नजर आ रहा है। आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी और फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है मक्का के बाजार की, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सीमित रही। वहीं अधिकतर मंडियों में मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। मक्का की पैदावार की बात करें तो इस साल मक्का की पैदावार में खासा इजाफा होने का अनुमान है। इस साल देश में मक्का की पैदावार में 14 लाख टन से ज्यादा की बढ़त हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 25 मई को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 3,02,40,000 टन रहने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 2,87,70,000 टन की रही थी। मक्का के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में मक्का के भाव कुछ इस प्रकार रहे। कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में 29 मई को लोकल मक्का का भाव रहा 1,550 रुपए। 31 मई को इसके भाव में 115 रुपए का उछाल आया और भाव 1,665 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान हाइब्रिड मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 29 और 31 मई को हाइब्रिड मक्का बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,400 रुपए पर बिकी। इसी तरह राजस्थान की उदयपुर मंडी में इस दौरान सफेद और पीली मक्का के सौदों में बिना किसी फेरबदल के साथ कारोबार हुआ। यहां सोमवार को पीली मक्का का भाव रहा 1,350 रुपए और सफेद मक्का का भाव रहा 1,650 रुपए। हालांकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में पीली मक्का के भाव में 10 रुपए की बढ़त दर्ज की गई। यहां 29 मई को पीली मक्का का भाव था 1,450 रुपए। 31 मई को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 1,460 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो यहां की अलीगढ़ मंडी में सोमवार को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,300 रुपए। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए। हरदोई मंडी में हाइब्रिड मक्का 1,520 रुपए पर बिकी, जबकि लखीमपुर मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदों में 20 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 1,520 रुपए। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं चने के बाजार की। खासतौर से इसके उपज को देखा जाए तो रबी चने की इस बार रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 25 मई को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस बार चने की जो उपज है 1,26,00,000 टन से ज़्यादा की रह सकती है, जिससे अलग अलग मंडियों में जो बाजार भाव है वो प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल क्या स्थिति रहेगी बाजार की, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में चने के सौदे मजबूती के साथ हुए, हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। सोमवार को देश की ज्यादातर मंडियों में चने की आवक भी सामान्य रही। चने की पैदावार की बात करें तो इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 25 मई को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में चने की पैदावार 1,26,10,000 टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में चने की उपज 1,10,80,000 टन रही थी।
चने के हाजिर भाव पर नजर डाले तो एगमार्क नेट के अनुसार मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 29 मई को देसी चने का भाव रहा 4,550 रुपए। 31 मई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 4,550 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। इसी तरह महाराष्ट्र की लातूर मंडी में भी बीते दो दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहां 29 मई को चने का भाव रहा 4,700 रुपए। 31 मई को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 4,700 रुपए पर हुए। हालांकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में चने के सौदों में 125 रुपए के उछाल के साथ कारोबार हुआ। यहां 31 मई को चने का भाव रहा 5,075 रुपए, जो कि 29 मई को 4,950 रुपए था। वहीं राज्य की ही लालसोट मंडी में 29 मई को चने का भाव था 4,908 रुपए। 31 मई को इसके भाव में 32 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 4,940 रुपए। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान देसी चने के भाव में 50 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। यहां शनिवार को चने का भाव रहा 5,850 रुपए। सोमवार को इसके भाव 50 रुपए टूटकर 5,800 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में देसी चने के भाव की बात करें तो यहां की इलाहाबाद मंडी में सोमवार को चने का भाव रहा 5,600 रुपए। गाजियाबाद मंडी में चना 5,950 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही करवी मंडी में देसी चने के सौदे 4,935 रुपए पर हुए। और आइए अब बात करते हैं भिंडी के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों में भिंडी का भाव क्या दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में सोमवार को भिंडी का भाव रहा 1,850 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3,100 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं बैंगन के बाजार भाव पर भी। अलग अलग मंडियों में बैंगन का भाव क्या रहा, आइए देखते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में बैंगन का भाव रहा 3,450 रुपए क्विंटल, जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 850 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी में भी बैंगन का भाव 850 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं तिल के बाजार की। खासतौर से इसकी उपज को अगर देखा जाए तो खरीफ तिल की उपज इस बार ज्यादा रह सकती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 25 मई तक जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार इस बार तिल की उपज 8 लाख टन रह सकती है, जिससे कहीं ना कहीं जो असर है वो अलग अलग मंडियों में बाजार भाव पर पड़ता नजर आएगा। फिलहाल वर्तमान स्थिति क्या बनी हुई है बाजार में, आइए जानते हैं। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में तिल के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव में बढ़त दर्ज की गई। बात इसकी आवक की करें तो गुजरात और राजस्थान सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक सीमित रही। इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 33,46,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3,65,65,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान तिलहन की कुल उपज 3,32,19,000 टन रही थी। वहीं बात तिल की पैदावार की करें तो देश में इस साल खरीफ तिल की उपज में 1,34,000 टन तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में 7,92,000 टन खरीफ तिल की पैदावार होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान तिल की पैदावार 6,58,000 टन रही थी। तिल के हाजिर भाव पर नजर डाले तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 29 मई को सफेद तिल का भाव रहा 7,530 रुपए। 31 मई को इसके भाव में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,380 रुपए पर आ गया।
इसी तरह राज्य की ही हलवद मंडी में भी काले तिल के सौदों में 1,200 रुपए की भारी नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 31 मई को काले तिल का भाव रहा 7,250 रुपए, जो कि 29 मई को 8,450 रुपए था। वहीं सोमवार को यहां सफेद तिल के सौदे 100 रुपए टूटकर 7,600 रुपए पर हुए, जबकि गुजरात की ही राजकोट मंडी में 31 मई को सफेद और काले तिल के भाव में उठा पटक दर्ज की गई। यहां शनिवार को सफेद तिल का भाव रहा 7,350 रुपए, सोमवार को इसके भाव में 300 रुपए का उछाल आया और भाव 7,650 रुपए पर जा पहुंचा। इस दौरान 29 मई को काले तिल का भाव था 11,050 रुपए, 31 मई को इसका भाव 225 रुपए लुढ़क कर 10,825 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में भी तिल के भाव में गिरावट दर्ज की गई। यहां 29 मई को तिल का भाव रहा 7,300 रुपए, 31 मई को यहां तिल 40 रुपए नरम होकर 7,260 रुपए पर बिकी। और आइए अब बात करते हैं गाजर के मंडी भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 1,450 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की नवांशहर मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खीरे के बाजार भाव की भी। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में खीरे का भाव रहा 1,900 रुपए क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 600 रुपए क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब बात करते हैं बाजरे के बाजार की। खास तौर से सोमवार को अधिकतर मंडियों की अगर बात की जाए तो बाजरे की आवक सामान्य दर्ज की गई। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोमवार को बाजरे की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दहेगाम मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,450 रुपए क्विंटल। राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 1,270 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में देसी बाजरे का भाव रहा 1,300 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में देसी बाजरे का भाव रहा 1,300 रुपए क्विंटल, जबकि राज्य की ही हाथरस मंडी में हाइब्रिड बाजरे के सौदे 1,277 रुपए क्विंटल पर हुए। खरीफ बाजरे की पैदावार की बात करें तो फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 25 मई तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 1,04,00,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019 और 20 के दौरान देश में बाजरे की उपज 1,03,60,000 टन की रही थी। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मसूर के बाजार की। खासतौर से रबी मसूर की अगर बात की जाए तो इस बार इसकी पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है। इस साल रबी मसूर की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 25 मई को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में रबी मसूर की पैदावार 12,60,000 टन ज्यादा रहने का अनुमान है, जबकि साल 2019 और 20 के दौरान देश में मसूर की उपज 11,00,000 टन ही रही थी। वहीं सोमवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सुस्त रही। मसूर के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में मसूर का भाव रहा 5,800 रुपए क्विंटल, उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 6,150 रुपए क्विंटल, यहां की करवी मंडी में मसूर का भाव रहा 6,100 रुपए क्विंटल,
जबकि राज्य की ही ललितपुर मंडी में मसूर के सौदे 6,400 रुपए क्विंटल पर हुए। आपको बता दें, साल 2020 और 21 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान दालों के निर्यात में 20% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार ताज़ा आंकड़ों को देखा जाए तो देश से इस साल 2,76,863 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 2,32,081 टन का ही हो पाया था। यानी बीते 12 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 44,000 टन से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और आइए अब मसूर के बाद बात करते हैं हरी मिर्च के मंडी भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 2,350 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की कोलार मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब नज़र डालते हैं आलू के बाजार भाव पर भी। अलग अलग मंडियों में आलू का भाव क्या रहा, आइए जानते हैं। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आलू का भाव रहा 700 रुपए क्विंटल। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 925 रुपए क्विंटल, जबकि कर्नाटक की हुगली मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आखिर में बात करते हैं प्याज के बाजार की। जी हाँ, अगर इसकी उपज को भी देखा जाए तो बीते वर्ष के मुकाबले इस बार जो उपज है वो अधिक अनुमानित है, यानी उपज जो है, पैदावार जो है वो इस बार ज़्यादा हो सकती है। इस साल प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020 और 21 के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से 34,73,000 टन से अधिक हो सकती है। साल 2020 और 21 में प्याज की कुल उपज 2,62,92,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 2,28,19,000 टन की रही थी। वहीं प्याज के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को कर्नाटक की हुबली मंडी में प्याज का भाव रहा 1,250 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की सोलापुर मंडी में भाव रहा 800 रुपए क्विंटल। पंजाब की लुधियाना मंडी में प्याज का भाव रहा 1,400 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में प्याज के सौदे 1,450 रुपए क्विंटल पर हुए। सब्जियों के निर्यात पर नजर डालें, एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा दर्ज किया गया है। साल 2020 और 21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 3,96,000 टन से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2020 और 21 के 12 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 23,26,538 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 19,30,511 टन का ही हो सका था। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।